पिछले तीन साल से यह कहा जा रहा है कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े हुए संगठनों और लोगों के खिलाफ नहीं बोल सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको राष्ट्रविरोधी घोषित कर दिया जाता है। गौरी लंकेश एक सिलसिले का हिस्सा है और हम ये कह सकते हैं कि यह इस हत्या के साथ खत्म नहीं होगा। लोगों की आवाज़ को दबाना, उनका गला घोटना, लेना देना, उन पर मुकदमा करना, उन्हें जेल में डालना, उनकी पिटाई करना, अगर आप गौरी लंकेश की हत्या को इस संदर्भ में देखें कि इस साल की शुरुआत में रामजस कॉलेज में क्या हुआ और अब दिल्ली विश्वविद्यालय में कहीं भी कोई भी गोष्ठी नहीं हो सकती, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में क्या हुआ, देश के दूसरे विश्वविद्यालयों में आप कहीं कोई गोष्ठी ऐसे विषय पर नहीं कर सकते जिसको सरकार विरोधी माना जाए। तो यह कहा जा सकता है कि पूरे मुल्क में आज़ाद आवाज़ का गला घोंट दिया गया है, जो भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसका हश्र गौरी लंकेश की तरफ का हो सकता है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने SIT बैठाई है इस पर, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। पंसारी जी के केस में, दाभोलकर जी के केस में, कलबुर्गी जी के केस में, सब में ऐसी कोशिशें हुई हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। इसमें क्या लगता है? इसलिए कि गंभीरता नहीं है। आप सिर्फ इसकी तुलना करें बांग्लादेश से, जहां बहुत सारे ब्लॉगर्स मारे गए हैं, पाकिस्तान से तुलना करें, और आप देखें कि बांग्लादेश में जो हत्याएं हुई हैं उनमें जो लोग शामिल हैं उनको पकड़ा गया, उनकी शिनाख्त की गई, उनको पकड़ा गया है, उन पर मुकदमा चल रहा है। तो क्या हमारी पुलिस व्यवस्था बांग्लादेश के मुकाबले बहुत गई गुजरी है? पाकिस्तान में सलमान तासीर की हत्या जिसने की उसको फांसी हो गई। मैं फांसी की सज़ा का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि यह उन देशों में हुआ जिनको हम अपने आप से बहुत ख़राब देश मानते हैं और अपने आप को बहुत बेहतर मानते हैं। यह सोचने की ज़रूरत है, खुद यहाँ की पुलिस को सोचने की ज़रूरत है। यह मसला इसका नहीं है, उसकी पेशेवर क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं और उसको अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ काम करना चाहिए।